आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ग्रोथ हार्मोन। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ स्टेप ग्रोथ हार्मोन। अगर हम समझे तो नॉट तो बोला ही है, स्टेप ग्रोथ और चेन ग्रोथ को समझे। बेसिकली स्टेप ग्रोथ मतलब बोल रहा है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की बात है, एंड दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और एक हमारे पास होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जो चेन ग्रोथ होता है, चेन ग्रोथ का मीनिंग होता है मेरे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें होता है मेरा मीनिंग एडिशन, है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन मतलब व्हेन टू और मोर, मतलब जब व्हेन मोनोमर्स आर कनेक्टेड, व्हेन दे जॉइन विद ईच अदर, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर और NH3 आर बेसिकली इजेक्टेड, है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली एड होता है। अब देखते हैं नायलॉन 6-6 के बात करना है। अगर हम पहले बात करें नायलॉन 6-6 की, तो नायलॉन 6-6 क्या है, बेसिकली दो मोनोमर होते हैं, दोनों में 6-6 कार्बन होता है। याद रखने का ये हुए है, कौन से होते हैं, एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मेरा होता है CH2O, और यहाँ होता है COOH, यह COOH, है ना। तो बेसिकली ये मेरा हो गया एडिपिक एसिड प्लस यहाँ पे हेक्सामिथाइल डायमीन, हेक्सामिथाइल डायमीन CH2O6, और यहाँ पे है NH2, इधर भी NH2। देखो 6-6 कार्बन है इन दोनों में, और इन दोनों का जब मेरा जो मुझे पॉलीमर मिलता है हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड से, वो मेरा होता है सी और गोंडो CH2O4 C, एन एच CH2O6 एन एच, ये मेरा एक मोनोमर हो गया, और इसी को हम n टाइम्स कर देंगे तो मेरा उत्तर मिल जाएगा पॉलीमर। देखना ये कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे है, तो समझना कंडेंसेशन कैसे कि यहाँ पे से COOH था, तो यहाँ पे OH भी था, और यहाँ पे NH2 था। देखिए मोनोमर में NH2, तो यहाँ पे NH2 में यहाँ पे क्या H था, ये क्या है बेसिकली वाटर बन के बाहर चले गए, ये वाटर बन के बाहर चले गए हैं, और इसलिए मेरे पास क्या बच गया, ये नहीं है, इसमें H2 इजेक्टेड, बेसिकली H2 इजेक्ट हो गया, मेरे पास सिर्फ ये मोनोमर बच गया ना। यहाँ हो सकते हैं प्लस H2, यहाँ पे H2 भी निकला होगा। देखो दिस इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, और बेसिकली कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अगर मैं पहले देख रहा हूँ करेक्ट कौन कौन सा है, तो मुझे कोई आंसर निकालना है नॉट, है ना, नॉट, तो देख रहा हूँ कि कौन सा है, यस, तो नायलॉन 6 इज एक्चुअली स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा करेक्ट है, मतलब ये करेक्ट है कि ये दिस इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। कि नायलॉन 6 की बात करें, अगर नायलॉन 6 की बात करें, तो नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है, बोलते हैं कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं उसका। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं ड्रॉ करके, तो नायलॉन 6 के इस तरीके से होता है एन एच सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन 2 3 4 5। देखिए 6 कार्बन यहाँ भी है, नायलॉन 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और इसमें बेसिकली ध्यान देना ये इसमें वाटर का अटैक होता है, टेम्परेचर 550 केल्विन, और मुझे भी क्या मिल जाता है नायलॉन 6 इस तरीके से NH, और पूरा यहाँ पे क्या है 1 3 4 5, और ये मेरा ये मेरा क्या है बेसिकली, दिस इज माय नायलॉन 6, है ना। यहाँ देखना ये एडिशन पॉलीमर नहीं है, यहाँ पे वाटर का अटैक हो रहा है, यहाँ पे बाद में वाटर इजेक्ट भी होता है ना, इसलिए दिस इज आल्सो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ये भी मेरा क्या है आंसर नहीं होगा। मेरा अगर आंसर की बात करें, ये भी मेरा पहला आंसर मेरा नहीं था नायलॉन 6, नायलॉन 6 भी मेरा नहीं होगा आंसर। आगे अगर देखें हम लोग कौन सा, ग्लिप्टाल, और ग्लिप्टाल की बात करें हम लोग,
लिप्टॉल क्या होता है, इसका अंदर बेसिकली अंदर भी दो मोनोमर होते हैं, इसका अंदर भी दो मोनोमर होते हैं मेरे पास, एक होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH प्लस मेरे पास होता है पीथेलिक एसिड, है ना। पीथेलिक एसिड मतलब ये बेंजीन तो हो गया मेरे पास, यहाँ पे COOH और यहाँ पे ऑर्थो पे फिर से COOH, यहाँ क्या मिलता है और यहाँ क्या मिलता है देखना चाहे हम लोग। तो इस केस में और देखें क्या मिल रहा है, हमें मिलता है CH2 यहाँ पे ध्यान देना, ये जो है यहाँ से वाटर बाहर चला आता है OH, है ना, OH H ये और बाहर ही आता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं यहाँ पे। तो COS है, इस तरीके से वाटर मेरा बाहर चला जाएगा, मेरे पास क्या बच जाएगा CH2 और यहाँ पे O C है ही, ये मेरा बेंजीन रिंग यहाँ पहले भी था अब भी है, यहाँ पे भी क्या होगा CO और वहां पे भी OH का, ठीक है बाहर चला जाएगा। इस तरीके से मेरे को सही से मेरे को क्या मिल जाता है, मेरे को मेरा पॉलीमर मिल जाता है ग्रिप्टा। तो देखो यहाँ पे भी वाटर क्या बाहर निकल रहा है, तो ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये मेरा आंसर नहीं होगा। आगे अगर देखें हम लोग लास्ट ऑप्शन में बस क्या था, PMMA पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट। अगर इसको देखें हम लोग इसका स्ट्रक्चर अगर मोनोमर का देखें, मिथाइल मिथाक्रिलेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है CH यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पे O CH3 इस तरीके से, और यहाँ पे सिंपल एडिशन हुआ था जस्ट लाइक पॉलीथीन, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इस तरीके से एडिशन हो जाता है एन टाइम्स, और ये H भी रहता है, ये H भी है, ये भी CH3 है, C डबल बॉन्ड O O और दिस इज पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट, है ना। ये मेरा क्या ध्यान देना, यहाँ मेरा एडिशन हो रहा है, इज माई एडिशन, क्योंकि ये मेरा एडिशन है, देयरफॉर ये मेरा एडिशन है, दिस इज माई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखिए अगर स्टेप ग्रोथ की बात करते हैं तो करेक्ट ये भी था, ये भी स्टेप ग्रोथ था, नायलॉन 6 लिखता, लेकिन PMMA मेरा क्या स्टेप ग्रोथ नहीं है, ये मेरा चेन ग्रोथ या एडिशन है। मेरा आंसर एक्चुअली क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, PMMA पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।